भाई अभी जो है हम लोग आए अलविदाई तवाफ़ करने के लिए, और इंशाल्लाह है कि अभी अलविदाई तवाफ़ करेंगे, उसके बाद घर की तरफ रवाना होकर कुछ खाना पीना करेंगे। तो क्योंकि हमारा आज लास्ट चेक करें, यहाँ पे जंग चल रही है हिजर अस्वद को चूमने के लिए, बोसा देने के लिए जंग चल रही है। अब बताओ इस जंग के अंदर बंदा कैसे जाए, किसी चीज़ का एहतराम ही नहीं है। बस देखो कल भी दो लोगों को हॉस्पिटल लेकर गए हैं लोग। जो भाई ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये हतीम की लाइन है, यानी जहाँ हम लोग नमाज पढ़ेंगे, दो नफिल पढ़ते हैं, और ये जो हिस्सा होता है ना, ये एक तरह से काबे का ही हिस्सा है जिसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। बड़ी देर बाद हमें मौका मिला अंदर आने का, हमने माशाल्लाह दो रकात नमाज अदा करी है, दो रकात नहीं कहा माशाल्लाह अच्छे खासे नफिल अदा करें और सारे दुआएं कर रहे हैं। ये बेसिकली काबे का हिस्सा है जो कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है बाकायदा, कि सामने अगर हम जो नमाज हमने काबे के अंदर पढ़ी है और यहाँ पर नमाज पढ़ना, दोनों बराबर हैं, इक्वल है। यार ये देखें माशाल्लाह यहाँ सफाई हो रही है दोबारा से, आज आखिरी दिन है हमारा, और इंशाल्लाह ये सुबह हमारी सुबह पाकिस्तान की फ़्लाइट है, और ये भाई हमें पहले भी मिले थे। और ये देखें कितना डेकोरम से काम हो रहा है, डेकोरम कितना क्लियर है इधर का, और इधर की जो डिसिप्लिन है माशाल्लाह सब बेहतरीन है। यार धक्के पड़ रहे होते हैं पीछे से, कभी कभी गुस्सा भी आया था, लेकिन खैर है। ये देखिए माशाल्लाह काम हो रहा है हरम का। भाई अभी तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमने तवाफ़ वगैरह कर लिए, और अब तो ये है कि बस अब रुखसती का टाइम हो रहा है, आ रहा है, और हम लोग अपने ये कि घरों की तरफ वापसी निकल लें। और ये बस लास्ट वीडियो है मेरी इस खाने काबा की, और इसके अतराफ़ जितनी भी अल्लाह सुबहाना होता है, काबिल नहीं थे अल्लाह पाक ने फिर भी बुलाया, अल्लाह पाक का एहसान में दी। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह पाक आपको सबको आने की तौफीक अता फरमाए, और बाकी ये है कि इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे आपसे यूट्यूब पर। और काइंडली ये है कि बस एक अल्लाह सुबहाना तआला से मैंने दुआ की है, अल्लाह मेरे चैनल को कामयाबी अता फरमा दे, एक लेवल तक पहुँच जाऊँ मैं, बस ये दुआ की है अल्लाह सुबहाना तआला से मेरी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि इंशाल्लाह ये भी कबूल होगी, और आप लोग भी सपोर्ट करें इंशाल्लाह, ये कि फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो भाई आज हमारी फ़्लाइट है, और अभी हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं, और ये समझ लें कि बस सारा सामान वगैरह सब बाहर पड़ा हुआ है। 2:30 बजे की फ़्लाइट है हमारा, ये चेकआउट हो गया, मैंने सारा सामान लोड कर दिया गाड़ी में, और अभी जो है 5 बजे बस अभी जाके गाड़ी में बैठना है, जद्दा के लिए निकल रहे हैं ऐसे गाड़ी में, और गाड़ी में बैठने के बाद हमारी कोई 2:30 बजे जो है हमारी फ्लाइट है, बस अल्लाह करे इस बार लेट ना हो, और अल्लाह का शुक्र है 15-10 दिन जो से गुजर गए। और हमारी बस आ गई, और हम लोग ये कि होटल से चेकआउट कर दिए, ये पानी की बोतलें हैं, और बस हम लोग ये गाड़ी में बैठ रहे हैं। अभी हम लोग ये कि एयरपोर्ट पहुँचे हैं, और यहाँ पर देखें ट्रॉली के 3 रियाल मांग रहे हैं, यहाँ पर ट्रॉली के मांग रहे 3 रियाल, लेकिन हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग 3 रियाल नहीं देंगे, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आएंगे। तो सामने कुछ ट्रॉलियाँ पड़ी हुई हैं, तो कोशिश करते हैं अगर वहाँ से मिल जाती है ज़्यादा बेहतर है। अब ये है कि 2:30 बजे फ़्लाइट होती नहीं होती, लास्ट टाइम जितना ये कि ऐसा ना हो कि हमारी फ़्लाइट लेट हो जाए, फिर हमें फौरी काटनी पड़े। गर्मी बहुत है जद्दा में सब हम लोग, और गर्मी बेइंतहा है। देखते हैं ट्रॉलीस पड़ी हुई, ये पड़ी हुई दो ये गेरी ट्रॉलीस यहाँ से लेते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्ला वजह की पखराटे हैं, 3 ट्रायल दो उनको आदमी लेकर जाएंगे। ये हमारे हीरो भाई। अबे यार हमारा एक काम, एक गलती ये हो गई कि हमने ना जमजम की बोतल नहीं ली, एक जमजम की बोतल ले लेते हैं, बाकी हमने बोतल शुतल डाल दी, तो इंशाल्लाह एक कवर हो जाएगा, एक ही ले लेता। मैंने एक पासपोर्ट की कॉपी डाली है, बाकी तीनों पासपोर्ट उनको उसके लिए दे दिए, बोर्डिंग के लिए दे दिए, कोई दे नहीं रहा। तो अभी ये कॉपी लेकर जाते हैं और देखते हैं कि यार इस पर देता है कि नहीं देता, देना तो चाहिए यार। यार एक जमजम दे देना, ये 5 लीटर की बोतल है, दे दिया, कोई मुश्किल नहीं हुई। ये देखो अब हो गई हमारी बोर्डिंग शोर्डिंग हो गई है, अभी आप ही जमजम दो ना, हमें यहाँ जमा कराने के लिए अलग शायद वो बनाया हुआ एक सिक्योरिटी सिस्टम के, भाई यहाँ से डालेंगे आप ही जमजम, बाकी हमारी बोर्डिंग हो गई और अब हमें वेट करना है 2:30 बजे तक। ये है बोर्डिंग कार्ड्स हमारे, यहाँ पे जो है वही प्रोसेस होगा, पिक्चर लेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, इमिग्रेशन करके उसके बाद भेज देंगे आगे, फिर वहाँ से जाना पड़ेगा हमें। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इमिग्रेशन हो गई, अब जा रहे हैं हम वेटिंग एरिया में, और अब सिर्फ ये है कि वेट करना है 2:30 बजे तक का, बहुत जल्दी हो गया प्रोसेस। असल में इन्होंने ना ये सीन किया हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ ना उम्र वाले ही आ सकते हैं,
ये जो स्पेसिफिक एरिया बनाया हुआ है खाली है बिल्कुल, कोई नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कि सिर्फ जो उम्र वाले हजरात हैं भाई, ये देखो हमारी कराची की सैरिन AR 812 चेक इन एंड ओपन, उसी जगह पर आ गए भाई। ये है कि अभी फिलहाल हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए और सारा प्रोसेस कम्प्लीट हो गया है और ये व्यू चेक करें, हम लोग बिल्कुल सामने बैठे हैं। अब यहाँ पर हमारा जो है प्लेन लगेगा और यहीं से हम लोग बोर्डिंग चेक कराते हुए अंदर की तरफ जाएंगे। भाई हमारा प्लेन लग गया है हमारा, और अब ये है कि हम लोग जा रहे हैं और बोर्डिंग बोर्डिंग चेक कर रहे हैं, पासेस चेक कर रहे हैं। भाई अभी ये सीन है कि अभी हम लोग जा रहे हैं, ये कि हम लोग जहाज के अंदर एंटर हो रहे हैं, हमारे भाई हैं और माशाल्लाह सारे हम लोग सब साथ पे हैं, उम्रे के अंदर लाइन वाइन लगी हुई है और अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं प्लेन। लाइन लगी हुई है अभी भाई, लाइन लगी हुई है और अभी इस लाइन में हम भी लगे हुए हैं। भाई सीट ढूंढ रहे, सीट नहीं मिल रही, सीट लापता भाई हमें मिली है विंडो सीट, ये चेक करें। ओ दिन में विंडो देखने का मौका मिलेगा। आज हम इंशाल्लाह 39,000 फुट की बुलंदी प्रवास करते हुए 3 घंटे और 45 मिनट में कराची पहुंचेंगे। रास्ते के मौसम साफ बताया जा रहा है, मगर आपसे दरख्वास्त करूंगा जब भी आप तशरीफ रखते हैं अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें। कराची में उतरने से पहले जब हमें मौसम वसूल होगा मैं उससे आपको आगाह करूंगा। इस वक्त हम चलने के लिए तैयार हैं, जैसे ही दरवाजा बंद होता है इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। भाई अभी हमें एक लंच दिया गया जिसमें राइस विद चिकन और डेजर्ट में हमारे पास केक और सैलेड है और जूस वगैरह है। भाई हमारी लैंडिंग हो गई है। अभी ये हम लोग पहुंच गए हैं और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, चेक करें बाहर जाने का रास्ता। पाकिस्तान वी हैव टू लैंड इन पाकिस्तान। भाई बस अब ये कि लास्ट हमारा प्रोसेस है, ये पासपोर्ट वगैरह चेक करेंगे ताकि ये कि फिर उसके बाद हम लोग आउट करें और हम पाकिस्तानी हदूद में एंटर हो जाएंगे। मतलब एंटर तो हो गए हैं लेकिन ये है कि ये पासपोर्ट देख के उसके ऊपर आउट की स्टैंप लगा देंगे तो हम आउट हो जाएंगे। ये हमारी इमिग्रेशन हो गई है, अब हमने एग्जिट कर लिया है। अब ये हमारा सामान आ रहा है इधर से, लगे जा रहे हैं और बस ये कि हमने सामान पहचानना है कि हमारा सामान कौन सा नाम वगैरह लिखा हुआ है, जैसे कि हमने इसके ऊपर भी नाम लिखा हुआ था खजूर है हमारी और इसके ऊपर भी शॉपर था, इस पर भी नाम लिखा हुआ है। अब बाकी आ गया बस आबे जमजम की बोतल रह गई है, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। सारा सामान आ गया हमारा, आबे जमजम भी आ गया, अब बस जाना है हमने बाहर। सुकून पाया हम लोग ये कि जिना एयरपोर्ट पहुंच गए और अब हम लोग जाएंगे बस घर की तरफ।